हेलो फ्रेंड्स, मैं हीशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूं टिक टैक टो का रिमेनिंग पार्ट। आज हम बनाएंगे इसका बॉक्स। ये देखिए, बुक स्टाइल बॉक्स बनाया है मैंने। इसमें दो अलग अलग इसके पोर्शंस बनाए हैं इसके टोकन्स रखने के लिए, और मैग्नेट्स लगाए हैं इसको बंद करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का भी। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक शीट ले लेंगे, ये है 26x33 सेंटीमीटर्स की। अब इस शीट के चारों तरफ हमें मार्किंग करनी है। 1 सेंटीमीटर हमने 1 सेंटीमीटर के हमने चार बार लाइंस लगानी है। देखिए 1 सेंटीमीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर। आप पहले मार्क करके भी लगा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर के आप मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर पे। तो पेंसिल से मार्क करिए चाहे ना, लेकिन इसको किसी ब्लंट टूल से या कोई ऐसा पेन जो वर्क ना करता हो, सीधे आप उससे मार्क कर लेंगे। तो उसके बाद जो है हमें इसको दोबारा से स्कोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको डायरेक्ट फोल्ड कर पाएंगे। तो ये कि मेरा 3 बार मार्क हो गया और ये 4th टाइम। तो 4 बार हमें मार्किंग करनी है चारों साइड से। तो इधर भी हम इसी तरीके से मार्क करेंगे ऊपर नीचे। ये देखिए मैंने पेंसिल से बना दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए इस तरह से हम मार्क करेंगे कि हमारे चारों कॉर्नर्स पर इस तरह के चेक बन जाएं। तो अब हमें थोड़ी सी मार्किंग और करनी है। 1 सेंटीमीटर का ही हमें इस तरीके से 2nd लाइन पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों तरफ इसको स्लांट मिला देना है। तो हमें दोनों तरफ ऊपर और दोनों तरफ नीचे ये करना है हमारी 33 वाली साइड पे। ये 1 सेंटीमीटर का निशान और फिर इन दोनों को इस तरीके से लाइन के साथ मिला देना है। ये देखिए ये डिज़ाइन हमें यहाँ चारों कॉर्नर पे ड्रॉ करना है और ये पोर्शन जो चारों कॉर्नर्स पे है ये कट जाएगा, चारों कॉर्नर का ये पोर्शन कट जाएगा। ये देखिए ये सारा पोर्शन, चारों पोर्शन जो है कट गए हैं। तो ये इसका इस तरह का शेप कुछ बन के सामने आया है। तो अब हमने जितनी भी स्कोरिंग की थी हम उन सबको क्रीजेस बना लेंगे। ये देखिए और जो हमारा बॉक्स का शेडो बॉक्स का जो बेस है वो रेडी हो गया है। इसको हम फिक्स अभी नहीं करेंगे, इससे पहले इसकी कुछ डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये ब्लैक शीट अंदर इसके रख देंगे ताकि उसका बेस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और वो हाईलाइट भी हो जाए। ये मैंने ली है 17x24 सेंटीमीटर की शीट। तो हम अपना फ्रेम जो है रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको लास्ट वाले जो हमारा 1 सेंटीमीटर का पार्ट था उस पर ग्लू लगाना है और इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है बहुत अच्छे से नीचे की तरफ। तो जब हम इसको खड़ा करेंगे तो ये हमारा फ्रेम रेडी हो जाएगा। इसके ऑपोजिट साइड भी हम यही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर मैग्नेट्स लगाएंगे। तो जो साइड हमारी ऊपर आ रही है, ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा ऊपर आएगा, तो बिल्कुल ठीक इसके नीचे यहाँ पर हम जो है मैग्नेट्स लगाएंगे। यहाँ पर दो जगह पर हम छोटे छोटे 2 मैग्नेट्स लगाएंगे। तो इस तरह के मैग्नेट्स जो है मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ना मिले तो ये अमेज़न पे तो बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो बस इनको ग्लू डॉट की हेल्प से मैंने यहाँ पर पहले फिक्स कर लिया है दोनों मैग्नेट्स को। अब इन मैग्नेट्स को थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए नीचे हम एक 1 सेंटीमीटर ब्रॉड एक स्ट्रिप चिपका देंगे। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी बैक साइड से भी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो जिस एरिया पे हमने मैग्नेट लगाए हैं ठीक उसके उल्टे साइड पे, यानी कि इसके फ्रंट पे हम ये ब्लैक स्ट्रिप्स जो है लगा देंगे। ये ब्लैक स्ट्रिप जो है ये है 1/4 इंच ब्रॉड
तो चारों तरफ हम पहले ये डिटेलिंग कर लेंगे। अब हम वापस अपने फ्रेम को जोड़ने की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस साइड पे हमने मैग्नेट लगाए थे सबसे पहले हम उस साइड को चिपकाएंगे। ये लास्ट वाले पार्ट के ऊपर हम अपनी ग्लू अप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से अंदर की तरफ पुश कर देंगे। तो इसी तरह हम इधर भी फिक्स करेंगे। ये वाले पार्ट इसके अंदर टक हो जाते हैं, जो ये हमारे कॉर्नर्स हैं वो साइड्स के साथ अंदर दब जाएंगे। तो इसीलिए हम ग्लू जो है बेस पे लगा रहे हैं, फ्लैप की जगह बेस पे ही हम ग्लू लगा रहे हैं, ताकि हमें इसको मोड़ने में और उसके अंदर टक करने में ईजी रहे। तो दोनों साइड से हम इसी तरीके से इसको साइड कॉर्नर्स के अंदर फिक्स कर लेंगे। तो हम इसके अंदर बनाएंगे कुछ पोर्शंस जिसमें कि हम अपने टोकन्स रख सकें। तो ये पोर्शन बनाने के लिए मैंने ये जो शीट ली है ये है 17x16 सेंटीमीटर की। तो इसमें भी हम बिल्कुल वैसा ही ब्लॉक बनाएंगे जैसा हमने शेडो बॉक्स के चारों तरफ बनाया है, यानी कि एक एक सेंटीमीटर के चार हम क्रीजेस बनाएंगे और फिर इसको बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करते हुए ब्लॉक बना लेंगे। कैसे? और इसकी डिटेलिंग भी हम ब्लैक से कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, ऊपर भी और इसके बेस पर भी, ताकि जब हम इसके अंदर इसको लगाएं तो पता नहीं चले। तो लीजिए हमारे दोनों जो साइड के पार्ट्स हैं बनकर रेडी हैं, इनको अंदर फिक्स कर लेते हैं। अब इसको अब दोनों साइड के लिए मैंने दो अलग अलग फ्लैप्स बनाए हैं। ये मैंने लिया है 6x16 सेंटीमीटर का पीस और उसके दोनों साइड पर एक एक सेंटीमीटर के मार्क लगा के हम इसको यूं फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। और ब्लैक से मैंने इसकी डिटेलिंग कर ली है, थोड़े से इसके किनारे मैंने राउंड कर दिए थे ताकि वो फ्लैप जैसा लुक आए। अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बस इस तरह से इसको चिपका लेंगे साइड में, तो ये बिल्कुल हमारे इसके साथ फिक्स हो जाएंगे। तो हमारे जो टोकन के लिए हमने बॉक्स के साइड्स बनाए थे वो तो हो गए हैं कवर। अब हमें इसका मेन जो है फ्लैप बनाना है। उसके लिए मैंने ये शीट ली है ब्लैक रंग की। तो ये है हमारी 25x19 सेंटीमीटर की, जिसमें से एक सेंटीमीटर को हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे और इसके ऊपर मैंने ये पैटर्न पेपर लगाया है 18.5x25.5 सेंटीमीटर का। और वाइट शीट जो हमने ली है वो है 19x26 सेंटीमीटर की। तो वाइट शीट के ऊपर हम ये पहले पैटर्न पेपर फिक्स कर लेंगे। इसके फ्लैप को बहुत ही स्ट्रेंथ मिल जाएगी, क्योंकि ये देखिए डबल ट्रिपल हो जाएगा लेयर ये। तो अभी हमारा जो वो मेन ब्लैक बेस था उसके ऊपर इसको फिक्स करेंगे, लेकिन हमें अभी मैग्नेट्स लगाने हैं। जो हमने मैग्नेट्स नीचे लगाए थे बेस पे फ्रेम पे,
तो अब हम इसके लिड पे भी ये देखें मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट छोड़ेंगे वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। बस उसी के ऊपर हमने फ्लैप को डिब्बे के ऊपर ही रख के ये मैग्नेट रख दिए हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी एक बार ग्लू और लगा लेंगे। और ये फ्लैप इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसको डिब्बे से हटाकर अच्छे से इसको फिक्स कर देंगे इसकी जगह पर। तो लीजिए हमारा फ्लैप रेडी है। अब हम इसके फ्लैप को जो हमने 1 सेंटीमीटर ब्लैक शीट का हमने बढ़ाया था ना नीचे की तरफ मोड़ा था, वो इसलिए मोड़ा था ताकि हम इस फ्लैप को पीछे चिपका सके। ये देखिए ये पार्ट हम इसको यहाँ चिपका देंगे पीछे, तो ये हमारा फ्लैप जो है इस पर फिक्स हो गया है। आगे से वो मैग्नेट से खुलेगा और पीछे हमारा वो फिक्स हो गया। ये देखिए तो इसके नीचे भी हम जैसा हमने ऊपर का पोर्शन बनाया था सेम वही मेजरमेंट वाला हमने व्हाइट और ब्लैक शीट लेकर इसका बेस बना लेना है और पूरे बॉक्स को उस बेस के ऊपर चिपका देंगे। तो इससे इसका लुक जो है बुक जैसा आ जाएगा। ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। तो बस इसमें हम अपना रख लेंगे ये गेम, दोनों साइड में हम रख लेंगे टोकन और ये हमारा बन गया है टिक टैक टो का बॉक्स। तो कोई भी बॉक्स आप इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। ये स्टोरेज बॉक्स है बुक स्टाइल। तो उम्मीद करूंगी आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड गिव मी अ बिग थम्स अप। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।